हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ पनीर की बहुत ही शानदार रेसिपी। पनीर तो सबका फेवरेट होता ही है, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए तो पनीर और पनीर से बनी सब्जियां सबसे खास होती है। तो आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर कुरमा को एक नए अंदाज में, घर में बनाएंगे जिसका स्वाद रेस्टोरेंट और ढाबा से भी बेहतर होगा। तो चलिए बनाते हैं लाजवाब हैदराबादी पनीर कुरमा को सरल लेकिन नए अंदाज में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, जायपत्री, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। इन सभी को मध्यम आंच पर भुनेंगे जिससे कि ये जले नहीं और इन खड़े मसाले का स्वाद तेल में आ जाए। इन सभी को भून लेने के बाद अब इसमें डालेंगे कटे हुए दो प्याज, और प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है। प्याज को जब भूनने पर इसका रंग सुनहरा हो जाए तो इसमें डालेंगे लंबाई में कटे हुए अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे ताकि ये दोनों प्याज के साथ पक जाए। इन सब के भून जाने पर अब इसमें डालेंगे काजू और कटे हुए टमाटर। यहाँ हमने तीन बड़े टमाटर लिए हैं। इन दोनों को बाकी के साथ हम तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर पक ना जाए। यहाँ पर जब प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर भून जाने पे पक जाए तो इसमें हम डालेंगे पालक। यहाँ हमने एक किलो पालक लिया है जिसको एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे जैसे ये पालक गलता जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे। इस तरह से करते हुए सभी पालक को बाकी सब के साथ पका लेंगे। सभी के पक जाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर इसे जल्दी ठंडा करना है तो इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि पालक और बाकी सब को छान कर पीसेंगे, और जो पानी रह जाएगा उसे फेंकेंगे नहीं बल्कि उसका उपयोग ग्रेवी में करेंगे। अब पैन में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल ले लेंगे, और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पनीर क्यूब को और इसे रोस्ट करेंगे। एक से 3 मिनट हो जाने पर जब पनीर रोस्ट होने पर इसका रंग सुनहरा हो जाए तो पनीर को निकाल कर पानी में डाल देंगे जिससे कि पनीर मुलायम रहे ठंडा होने पर भी। अब फिर से उसी पैन में रिफाइंड तेल लेंगे, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च लंबाई में कटे हुए और इसे भून लेंगे। मिर्च को भून लेने के बाद इसमें वही पेस्ट डालेंगे जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और पालक और बाकी सबको पीसकर पेस्ट बनाया था। पेस्ट को तेल में डालने के बाद इसे मध्यम आंच पर हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इस पेस्ट का पानी सूख न जाए। इसे लगातार 3 से 4 मिनट तक भून लेने पर जब इसका पानी सूख जाए तो इसमें हम डालेंगे मलाई और दही। यहाँ हमने लिया है 1/2 कटोरी दही और 1/4 कटोरी मलाई।
इन दोनों को डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि मलाई और दही इस पेस्ट के साथ स्मूथली मिक्स हो जाए। जब मलाई और दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले। यहाँ हम लेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी सूखे मसाले को डालकर इसे भून लेंगे ताकि इन सभी सूखे मसाले का कच्चापन निकल जाए, खासकर धनिया पाउडर का। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब सभी मसाले अच्छे से भुना जाए तो इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए पनीर। यहाँ हमने आधे पनीर को कद्दूकस करके डालेंगे और आधे को पनीर क्यूब में डालेंगे। कद्दूकस किए हुए पनीर को ग्रेवी में डालकर चला लेंगे जिससे कि पनीर का पूरा स्वाद ग्रेवी में आ जाए। जब कद्दूकस किए हुए पनीर और ग्रेवी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए तो इसमें हम डालेंगे पनीर क्यूब जिसे हमने शुरुआत में रोस्ट किया था। इन सभी के डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पका लेंगे। तो लगभग तैयार हो चुकी है हैदराबादी पनीर कोरमा, जो कि दिखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और लाजवाब है। तो तैयार हो चुके इस स्वादिष्ट हैदराबादी पनीर कोरमा को आप खाइए प्लेन पराठा, लच्छेदार पराठा या फिर चपाती के साथ। जिसके भी साथ खाइएगा मजा ही मजा आएगा। तो आपको ये शानदार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक ऐसे ही शानदार रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को ही सपोर्ट करें। थैंक यू।